नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन कंप्यूटर वर्क में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि ग्रुपिंग से रिलेटेड बजट के बारे में, ठीक है। आज हम लेजर बजट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। तो बजट तो क्या होता है, मैं आपको फिर से एक बार समझा देता हूँ। बजट क्या होता है कि दोस्तों, जैसे कि हम कोई कंपनी स्टार्ट करते हैं तो हमारा एक एस्टिमेट हम उसको बनाते हैं कि जो हमारे जो कंपनी में कहाँ कहाँ क्या खर्चे होंगे, हमारे बिजनेस में कितना खर्चा होगा, अलग अलग चीज़ों में हमें पता है कि आने वाले समय में इतना इतना खर्चा होता है। तो हम अलग अलग खर्च के लिए एक फंड यानी पैसा इकट्ठा करते हैं, या एक अलग उसमें जैसे कि अलग अलमारी होती है कि उसमें अलग अलमारी में रख दे कि ये इस चीज़ के लिए ये पैसे हैं, ठीक है, इकट्ठा करके रख देते हैं, जिसे हम बजट कहते हैं, ठीक है। जैसे कि होता है एडवर्टाइजमेंट, अगर हम कंपनी हमारी कंपनी अगर कोई एडवर्टाइजमेंट देती है किसी चीज़ के लिए, चाहे सेल्स के लिए हो या परचेस के लिए हो या मार्केटिंग के लिए हो, तो अगर एडवर्टाइजमेंट देती है तो उसके लिए अलग बजट रखती है कंपनी। जैसे पेट्रोल हुआ, अगर मार्केटिंग के लिए कोई अगर बंदे रखती है, लड़के रखती है, तो उन्हें पेट्रोलिंग का पैसा देती है कंपनी, तो उसका एक अलग बजट होता है। ऑफिस से रिलेटेड बजट होता है, ऑफिस में मतलब जो सामान से रिलेटेड है, सामान आया सामान गया, तो इस टाइप से दोस्तों क्या होता है कि बजट हमें क्रिएट करना होता है, ठीक है। तो इसी सिलसिले में आज मैं सेकेंड वीडियो लेके आया, पार्ट टू, बजट पार्ट टू के नाम से, है ना। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो मैं स्टार्ट करने से पहले आपको स्टार्टिंग स्टार्ट कर देता हूँ। तो मैं इसको बैक करके मैं यहाँ पास पहले मैं कंपनी क्रिएट कर लेता हूँ। पहले से बनी कंपनी है तो इसको मैं हटा देता हूँ। तो अल्ट एफ थ्री प्रेस करके इसे सेट कर दूंगा और क्रिएट कंपनी में जाऊंगा और यहाँ पास बजट पार्ट टू, ठीक है, क्योंकि बजट जो हमारा पार्ट टू के नाम से है, पार्ट टू बना रहे हैं क्योंकि पहला पार्ट हमने बजट का बना लिया था जिसमें हमने ग्रुपिंग किया था, ठीक है। इसका एड्रेस हम डाल सकते हैं इन फ्रंट ऑफ साइंस कॉलेज प्लस इंडिया छत्तीसगढ़ नाइन थ्री फोर जीरो सिक्स सेवन थ्री टू एट नाइन, ठीक है। तो यहाँ दोस्तों हमने क्या किया, बजट क्रिएट कर लिया है, ठीक है। अब हम यहाँ पर चलते हैं इसके फीचर्स में चलते हैं। तो हम यहाँ पास F11 प्रेस करेंगे और अकाउंटिंग फीचर्स है और यहाँ पास हम आते हैं मेंटेन बजट एंड कंट्रोल, इसको हम यहाँ पास यस कर देंगे। उसके बाद दोस्तों हम चलते हैं बैक स्पेस, बैक करके चलते हैं। अब यहाँ अकाउंट इन्फो में चलते हैं, तो अकाउंट इन्फो में मैं ए प्रेस करके, और हमें बजट में चलना है तो बी प्रेस कर दिया बजट में, और क्रिएट करना है तो सी। तो आप इस तरीके से शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पास हमें बजट का नेम बनाना है, तो यहाँ पास मैं पेट्रोल के लिए बना रहा हूँ। पेट्रोल, अरे यार, पेट्रोल, सॉरी मिस्टेक हो गया, पेट्रोलिंग के लिए बनाया था पेट्रोल एक्सपेंस, इसका प्राइमरी रहेगा। इसका टाइम पीरियड मैं डाल देता हूँ 1/4/2019। इसका एंडिंग रहेगा कब से कब तक रहेगा, तो जाहिर सी बात एक साल के लिए बनाते हैं, कोई भी बजट बनाते हैं तो 31/3/2020, ठीक है। अब यहाँ पास मैंने पिछले वीडियो में मैंने यहाँ ग्रुपिंग पे काम किया था, इस वीडियो में हम लेजर पे काम करेंगे। हम यहाँ पास लेजर को यस कर देते हैं। अगर आपको पिछला वीडियो देखना है तो बजट के नाम से हमारी फर्स्ट वीडियो हमारी पास बनी हुई है, टैली बजट एंड कंट्रोल के नाम से, उसको आप देख सकते हैं।
और इसके बाद यहाँ पर चलते हैं अकाउंटिंग, अकाउंट नेम में चलते हैं यहाँ पास, तो यहाँ पास लेजर बनाएंगे, तो अल्ट सी प्रेस करके यहाँ पास मैं पेट्रोल एक्सपेंस करके बना लेता हूँ, पेट्रोल एक्सपेंस, ठीक है, लेजर अंडर जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, उसके बाद यहाँ सेव, और फिर ऑन क्लोजिंग बैलेंस है, अमाउंट डाल लेता हूँ मैं 12,000, उसके बाद यहाँ सेव, फिर इसको मैं बाहर आ जाता हूँ। बाहर आने के बाद यहाँ पास चलते हैं हम पेमेंट में, अकाउंटिंग वाउचर्स में, यहाँ पास हम पेमेंट कर देते हैं अकाउंटिंग वाउचर्स, और पेमेंट करके क्या चीज़ पेमेंट करते हैं, तो डी आदमी हम ले लेते हैं पेट्रोल एक्सपेंस, यहाँ पास बना हुआ है कितना 800 रुपये कर लेते हैं। पहले यहाँ मैं डेट चेंज कर देता हूँ, तो डेट चेंज करने के लिए यहाँ पास सबसे पहले एफ टू प्रेस करूँगा और डेट डाल देता हूँ 1/4/2019, ठीक है, मैं डेट चेंज कर दिया। अब यहाँ पास डी आदमी कितना है पेट्रोल में, मैं डाल देता हूँ 800 रुपये, चलिए। उसके बाद सी आर यहाँ कैश डाल देता हूँ ये, उसके बाद सेकंड पेमेंट कर लेते हैं, यहाँ पहले उससे डेट चेंज कर देते हैं एफ टू प्रेस करके, मैं 1/5 कर देता हूँ, मतलब 1 मई 2019। अब टी आर में फिर से यहाँ पास पेट्रोल एक्सपेंस बना लेता हूँ, पेट्रोल एक्सपेंस कितना 1200 का कर देते हैं, और सी आर में कैश एक और बना लेते हैं पेमेंट, फिर से यहाँ पास एफ टू प्रेस कर देंगे और यहाँ पास 1/6 कर देते हैं, मतलब 1 जून का 1/6, तो पेट्रोल एक्सपेंस बना लेते हैं, इसका कर देते हैं 2400 रुपये, और यहाँ कैश ये। तो दोस्तों हमने यहाँ पास तीन पेमेंट किए हैं, 1 अप्रैल 2019 है ना, जिसमें 800 रुपये पेट्रोल है, और दूसरा है 1 मई 2019 जिसमें 1200 रुपये पेट्रोल है, और तीसरा है 1 जून 2006 जिसमें 2400 रुपये पेट्रोलिंग है। अब हम चलते हैं यहाँ पास इसके रिपोर्ट देख लेते हैं, तो रिपोर्ट देखें इस पहले मैं यहाँ सबसे पहले आप यहाँ पास जाइए तो प्रॉफिट एंड लॉस में देख सकते हैं आप यहाँ पास इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है, यहाँ पास पेट्रोलिंग को दिखा रहे हैं, और यहाँ पास देख सकते हैं आप कि जैसे 800 रुपये है डेबिट किए थे और क्लोजिंग है 800 रुपये, है ना, और यहाँ पास अल्ट वी करके आप यहाँ पास अल्ट वी प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, यहाँ पास पेट्रोल ऑप्शन आएगा, यहाँ इंटर करेंगे तो यहाँ आपको दिखाता है, जैसे ये हमने 1200 रुपये पेट्रोलिंग किया था, कब ये जो यहाँ से आप मंथ महीना सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे अप्रैल महीने में, तो अल्ट वी यहाँ से प्रेस करेंगे तो यहाँ पेट्रोल सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पास देखिए दिखा रहा है जैसे क्लोजिंग बैलेंस था 12,000 हमारा, ठीक है, और यहाँ पास हमने जून अप्रैल में 800 रुपये का पेट्रोल खर्च किया, मतलब इसका जो परसेंटेज था 6.67% था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पास हमने मई महीने में 1200 का पेट्रोल किया जिसका परसेंटेज था 10.10% था, ठीक है, और तीसरा था हमारा जून महीने में जिसमें हमने 2400 रुपये का पेट्रोल यूज़ किया, मतलब 20% इसका था, है ना, तो टोटल मिला के 20, 30 और 36% हमने यहाँ पास यूज़ किया पेट्रोल, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पास क्या बोलते हैं बजट तैयार कर सकते हैं, मैंने एक ही चीज़ का लेके आप बनाया है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, है ना, धन्यवाद।